नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते। दोस्त, आज हम आपके लिए बहुत ही छोटी लेकिन बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आए कि अगर आप यूपी टेट सुपर टेट के लिए यूडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। देखिए, हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। किसी के कमरे पे गए, वो ये किताब पढ़ रहा है, हमें लगा यार यही किताब हमें भी खरीदनी चाहिए। दूसरे के कमरे पे गए, दूसरी किताब देखा, लगा यार ये किताब हमें भी खरीदनी चाहिए। हम बार बार इस तरह से यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो ये जो है भटकना बंद करिए। आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत कम से कम परिश्रम में किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं यूपी टेट सुपर टेट या किसी भी टेट सुपर टेट में। आप कहीं भी दे रहे हैं, भागिएगा नहीं यूपी टेट देखकर, किसी भी टेट सुपर टेट के लिए है। तो आइए मैं आपको देता हूं बिल्कुल ब्रह्मास्त्र। देखिए, आप जानते हैं हर जगह यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, वहां व्याकरण की भूमिका सबसे ज्यादा होती है और शॉर्ट भूमिका होती है साहित्य की। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी टेट के लिए सबसे पहले आपको हिंदी व्याकरण की किताब, और हिंदी व्याकरण के लिए बेटा आंख मूंद करके आपको दो पुस्तकें लेनी है। एक तो आप जाना दुकान पे और सीधे कह देना, भैया हमें वासुदेव नंदन प्रसाद जी की हिंदी व्याकरण की किताब। कहीं भी किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी ये पुस्तक आसानी से उपलब्ध। नंबर दो, आपको डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी, मैं बताऊंगा कि दोनों पुस्तक क्यों जरूरी है, क्यों दो पुस्तक जरूरी। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की एक पुस्तक आती है नालंदा सामान्य हिंदी। देखिए, चूंकि इनकी कई पुस्तकें हैं इसलिए मैं यहाँ एक पुस्तक विशेष जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की एक ही किताब है तो नालंदा सामान्य हिंदी आप लेना। अब इससे क्या है, दोनों पुस्तकों को अलग अलग लेने का कारण क्या है कि जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब है वो शुद्ध रूप से व्याकरण की किताब है। इसमें आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय निपात ये जो व्याकरण का शुद्ध पोर्शन है ये बेहतर मिलेगा। और जो पृथ्वीनाथ पांडे जी वाली किताब है इस किताब में आपको पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द लोकोक्ति मुहावरा संधि समास प्रत्यय उपसर्ग ये चीजें बेहतर मिलेगी। तो हमें एक संयुक्त अगर एक अच्छा तैयारी करना है तो दोनों पुस्तकों के खास खास चीजों को लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अलावा जो है सुपर कोचिंग जो हमारी कोचिंग है, सुपर कोचिंग यहां से जो है प्रैक्टिस सेट के बहुत ही रामबाण है बेटा, बहुत ही रामबाण है। तो यहां से आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरी चीज, जब आप हमारे साथ जुड़िए तो सबसे बड़ी काम करिए क्या, नोट्स बनाइए। और इसमें आपका जो हिंदी साहित्य का पोर्शन है वो यहीं पढ़ा करके इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन भर जो है मतलब प्रश्न पूरे वहां से फंस जाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए मार्केट में कोई शॉर्टकट मैटर नहीं है। अगर आप खरीदेंगे तो टीजीटी पीजीटी की किताब खरीदेंगे, वो बड़ी मोटी है, उन्हें पढ़ के क्या मिले। इसलिए ये आप अध्यापक पर छोड़िए और ये पुस्तकें लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट लीजिए और ईमानदारी से लगे रहिए, जमकर प्रैक्टिस करिए। आपका चयन 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो ये काम करिए और जुड़े रहिए सुपर कोचिंग के साथ। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से अगली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।